प्यारे बच्चों, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी पढ़ लिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी पढ़ लिया है। आज अपन एक नया सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आगे रिलेटेड टू एक्सक्रीजन। तो देखो, जो एक्सक्रीटरी जो होता है एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट प्रोडक्ट का अपनी बॉडी से वॉश आउट करना। तो देखो, जो ह्यूमन बींग है उसमें चार तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यानी ह्यूमन बींग में चार तरह के ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जिसमें से पहला क्या है, स्किन। जो अपनी ये स्किन है, ये क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है। आपने देखा होगा स्वेट, पसीना है। पसीना एक प्रकार का क्या है, डायल्यूट यूरिन है, यानी वो यूरिन है, एक होता है कंसनट्रेटेड यूरिन। आप जो स्वेट निकलता है उसको दूसरा नाम क्या कह सकते हो, डाइल्यूटेड यूरिन, यानी ये क्या है, एक्सक्रीशन करती है। स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है, तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है और सारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, गंदगी है, वो क्या बाहर निकल जाती है। ये हो गया लंग्स है, लंग्स भी एक्सक्रीशन करता है, ये आपको पता ही है। देखो, CO2 को बाहर निकालता है, वाटर वेपर को बाहर निकालता है। आप जैसे अब सांस ले लो तो आप बिल्कुल जो आप फील करोगे, तो आपको हल्की सी गर्म सी हवा जो लगी, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, वाटर वेपर और CO2, यानी लंग्स की कम। लीवर है, लीवर भी क्या करता है, जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो अपने बॉडी में, उसको रिमूव करता है। और फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, किडनी। ये भी क्या करती है, ये जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्ट्रेट करने का काम करती है। तो ये मेन कोर ऑर्गन हो गए, स्किन हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया। देखो बच्चों, जो अपने ह्यूमन बींग के अंदर भगवान ने अपने जो किडनी क्यों बनाई है, देखो अगर आप ग्लूकोज खाते हो, ग्लूकोज, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो CO2+H2 होगा, ठीक है। और CO2 तो आप वैसे रेस्पिरेशन के थ्रू भी निकाल सकते हो, और वाटर मॉलिक्यूल, यानी ग्लूकोज है वो तो आराम से उसका एक्सक्रीशन हो सकता है उसके वेस्ट प्रोडक्ट का। तो फिर किडनी की क्यों जरूरत पड़ी, भगवान ने किडनी क्यों बनाई ह्यूमन बींग के अंदर, कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं, यानी नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, यानी अगर वो अपने शरीर में पड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जहरीले हो जाएंगे। तो उसको रिमूव करने के लिए भगवान ने आपने क्या दिया है, किडनी दी रखी है, ठीक है बच्चों। तो किडनी का मेन काम क्या है, कि जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है, ये मेनली मान लेते हैं, ये CO2 का आप रेस्पिरेशन के थ्रू भी बात करते हैं, इनको बाहर निकालने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए हमको भगवान ने क्या दे रखी है, किडनी। यानी ये नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए किडनी मेन रोल अदा करती है, ठीक है। यानी किडनी प्ले और की रोल सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अब बच्चों, आपको पता होगा जो यूरिया है, यूरिया अपने ह्यूमन बींग में कहाँ बनता है, तो ज़्यादातर बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं। बच्चे जैसे आपने यूरिया बोल दिया तो वो क्या क्या समझेंगे, किडनी। नहीं, अपना जो यूरिया जो होता है वो कहाँ बनता है, लीवर में, लीवर में बनता है। और जो बनाते हैं उसको कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल होता है, उसके थ्रू क्या है, यूरिया बनता है। अब ये यूरिया जो है उसको क्या है, फिल्ट्रेट आउट, यानी उसमें से जो हार्मफुल की जो यूरिया है, उसमें से ये यूरिया को रिमूव करने का जो काम, यानी फिल्ट्रेशन करने का काम किडनी करती है। बनाती कौन है, लीवर। यानी यूरिया बनता कहाँ है, लीवर में बनता है, इसके द्वारा ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। देखो बच्चों, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इसके बेस पे अपन डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल को आप क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे अगर कोई ऐसे एनिमल है जो अमोनिया को रिलीज आउट करते हैं, अगर उस एक्सक्रीट अमोनिया करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एमिनोफेलिक। यानी ऐसे एनिमल
जो अपना एक्सक्रीटी सब्सटेंस होता है वो क्या अमोनिया है, यानी अमोनिया को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं अमीनोगैरिक। एक्चुअली क्या होता है, अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। अब देखो कुदरती देख लो आप, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे उनको बहुत ज़्यादा पानी के लिए जरूरत है। एक ग्राम अमोनिया को अगर आपके बॉडी से वॉश आउट करना था तो करीब आपको 1 लीटर पानी की जरूरत होगी। यानी इससे क्या पता चला कि मतलब 1 ग्राम बिल्कुल माइन्यूट है उसको भी आपके शरीर से बाहर हटाना है तो आपको करीब 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। तो भगवान ने क्या बताया कि जो एमिनोटैलिक होते हैं यानी जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसके लिए क्या चाहिए, पानी पानी चाहिए। तो कुदरत ने क्या कर दिया कि चलो ऐसे एनिमल को अपन जल में ही रखते हैं क्योंकि वहाँ पानी ही पानी है, तो जितना पानी चाहिए वो ले। तो ऐसे एनिमल जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको कहते हैं एमिनोटैलिक। देखो जैसे फिश, कुछ एम्फीबियन जो होते हैं और कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट यानी जो पानी में जो इंसेक्ट रहने वाले, यानी रिलेटेड टू क्या है, वाटर ही है। तो ऐसे एनिमल है जैसे फिश होंगे पानी में रहते हैं, कुछ एम्फीबियंस भी मिलेंगे ठीक है, कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट भी होंगे, तो वो इसमें इसका एग्जांपल में आ जाएंगे एमिनोटैलिक। एक देखो दूसरा लिखा है यूरियोटैलिक और एक है यूरिकोटैलिक। देखो यूरियोटैलिक ह्यूमन ह्यूमन का जो एक्सक्रीशन होता है यूरिन, उसमें यूरिया होता है ये आपको पता है, वही यूरिया जो खाद में अपन खेतों में डालते हैं वही यूरिया होता है। इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। देखो मैंने बताया था ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो जो ऐसे एनिमल जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको क्या कहेंगे, यूरियोटैलिक। ऐसे एनिमल जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको कहेंगे यूरियोटैलिक। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, यूरिया को इससे कम की जरूरत होती है ठीक है। यानी ऐसे एनिमल है जिसको थोड़ा सा भी मतलब पानी मिल जाएगा, इससे कम मिल जाएगा तो भी ये अपने शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको रिमूव कर सकते हैं। तो जिसमें जैसे देखो इसका एग्जाम्पल मैमल्स में अपन ह्यूमन बींग भी आते हैं, यानी अपन जो एक्सक्रीशन करते हैं वो क्या करते हैं यूरिया, इसलिए अपन को कहाँ अगर इसके अंदर क्लासिफाई करना था अपन किसमें आएंगे यूरियोटैलिक। देखो जैसे समुद्री फिशेस ठीक है, ये इसके और क्या लिखा यूरिया फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग इन, यानी यूरिया जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है, ये मैंने बताया लीवर में बनता है। और कौन सी साइकिल के थ्रू बनता है, ऑर्निथिन साइकिल ठीक है। ये ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं कि यूरिया जो बनता है वो कहाँ बनता है, लोग किडनी करके आ जाते हैं, किडनी नहीं है बनता कहाँ है, लीवर में बनता है किडनी। अब देखो आगे क्या है, यूरिया का जो फिल्ट्रेशन है यानी ये जो यूरिया इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनी, किडनी का काम क्या है उसको फिल्टर और उसका है जो हार्मफुल सब्सटेंस को हटाने का काम है, बनाने का काम कौन है यूरिया ठीक है बच्चों। तो ये हो गई यूरियोटैलिक जिसके अंदर मेम्बर्स आ गए, ह्यूमन बींग आ गया और कुछ ऐसे समुद्री मछलियाँ भी आ सकती हैं। तीसरा है यूरिकोटैलिक, यानी ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करते हैं एक्सक्रीटी सब्सटेंस के रूप में उसको क्या कहेंगे यूरिकोटैलिक। देखो यूरिक एसिड में सबसे यूरिक एसिड को अगर आपको बॉडी से वॉश आउट करना है हटाना है तो उसके लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता है, इसलिए आपने देखा होगा जो जो होते हैं बर्ड्स होते हैं वो जो अपना नाइट्रोजन वेस्ट है वो एक बीट के रूप में पेस्ट के रूप में अपना एक्सक्रीशन बीट या पेस्ट के रूप में करते हैं, यानी वो कम पानी भी मिलेगा, सबसे कम पानी में भी वो अपने शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है हार्मफुल सब्सटेंस है उसको हटा सकते हैं। यानी इसके लिए सबसे क्या आ गया, देखो ये बर्ड्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गया, कुछ इंसेक्ट्स, यानी उनके लिए क्या यूरिक एसिड है उसका एक्सक्रीशन कम मात्रा में भी मिल जाएगा तो भी पानी कम मात्रा में मिल जाएगा तो भी वो अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर सकता है। देखो लिखा है एक्सक्रीट इन पेस्ट, यानी ये पेस्ट के फॉर्म में भी एक्सक्रीट करता है, और ग्लोब्यूल्स यानी छोटी छोटी गोलियां के रूप में भी करते हैं। आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स है जो बीट करते हैं, इसका मतलब क्या है उनका जो नाइट्रोजन उसके लिए पानी की इतनी आवश्यकता। अब देखो जो कबूतरी मान लो
पिजन मान लो, कोई भी बर्ड्स मान लो, पीकॉक मान लो, तो उनको कम पानी भी मिल जाएगा तो भी वो अपने शरीर से गंदगी को यानी हार्मफुल सब्सटेंस को हटा सकते हैं। तो इसके लिए इसका एग्जाम्पल क्या गया, बस कुछ रेप्टल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। तो एमिनोटेरिक जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरियोटेरिक जो यूरिया एक्सक्रीट, और यूरिकोटेरिक जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, तो यूरिकोटेरिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।